वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देखी लो क्या बनाया। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इरशाद, आज पाकिस्तान की पूरी रियासत मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार। अब ये लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। भाई तुम पाकिस्तान हार गए, तुम बलूचिस्तान हार गए, देखो क्या हो रहा है। मईशत दुरुस्त करनी है, दहशतगर्दी से मुकाबला करना है, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना है, या महंगाई को कम करते हुए गरीब को रोजगार देना है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कौमी तराना और मुतालिया पाकिस्तान को बहुत से स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया गया। 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन वन अटैक अ डे। चपड़ के नाती हो, होश करो। और ये बात मैं नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान ने की है। कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आ रही है। अल्लाह तौबा, किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। विपक्ष ये पूछ रहा है शाहबाज सरकार से कि आखिर बलूचिस्तान में लोगों के साथ ये अत्याचार, ये नाइंसाफी हो क्यों रही है। बलूचिस्तान जहां पर बलूच लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है। दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था, और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहां से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। और नहीं तो क्या, आप तालिबान के साथ टेबल पे बैठ सकते हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकी। चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से। जिसका मतलब ये है कि रियासत तो अपना काम करने में नाकाम हो गई है, तो उसके बाद आप अगर कहें कि ये लोग जो हैं वो मिसगाइडेड हैं, उनके खिलाफ आप ये रिलीजियस हेट्रेड क्रिएट करें और इस तरह की फिरका वारियत पैदा करके उनको दबाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खौफनाक अमल है। अवाम का बेड़ा गर्क पहले से हो चुका है। कि बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर चीज जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वहां पर बंद की जा रही है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं था। 1948 के अंदर जिन्ना ने और जिन्ना की आर्मी ने बलूचिस्तान के साथ धोखाधड़ी करके उसको अपने मुल्क में शामिल किया। हाँ भाई हाँ। धोखाधड़ी की कहानी में जाएंगे तो बहुत लंबी निकल जाएंगे, उसके लिए फिर कभी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान को ठीक तरीके से देखा जाए, पाकिस्तान को समझा जाए, तो पाकिस्तान को आप पाकिस्तान ना बोल के पंजाबिस्तान बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कौम सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, सबसे ज्यादा पावर में जो एलिट लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो सब मोस्टली 80% से भी ज्यादा पाकिस्तानी पंजाबी होते हैं। मैं जानता हूँ जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, वैसे तो पाकिस्तान में चार ही सूबे हैं, जो चौथा सूबा है वो है बलूचिस्तान, उसको सबसे दोयम दर्जे का दर्जा दिया गया है। वहां पर आज भी अगर आप जाके देख लो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 200 साल पीछे आ गए। और यही कुदरत का करिश्मा है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज भंडार भी बलूचिस्तान में ही है। वाह भाई वाह। तो पाकिस्तान 1948 से ही बलूचिस्तान के खनिज संपदा का दोहन करता आया, लेकिन जहाँ से खनिज संपदा निकाल रहा वहाँ के लोगों को ही हक नहीं दे पा रहा। अब बलूचिस्तान में जो आजादी की चिंगारी है वो बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती जा रही है। अभी चुन चुन के पंजाबियों को बस से उतार उतार के भी मारने लगे हैं। पहले कम लोगों को मारते थे, आजकल ज्यादा लोगों को मारने लगे हैं। तो बलूचिस्तान की एक ही डिमांड है कि सिर्फ हमारे हक हमारे को दे दो, जो रिसोर्स तुम हमारे यूज कर रहे हो हमको भी दे दो। बलूचिस्तान से गैस निकलती है, नेचुरल गैस, वो सारी पूरे पंजाब के अंदर चली जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलती है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। जैसे एक बार मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर बलूचिस्तान के लिए आवाज बुलंद की थी, अब फिर समय आ गया है वापस से एक बार आवाज और बुलंद करे। वो तुम्हारा भाई है, ताकि इन पाकिस्तानियों ने जो कश्मीर का चूरन चाटा हो ना, उस चूरन का नशा कम हो। वाह भाई वाह। क्या टॉपिक पे आते हैं, अब बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के राष्ट्रगान को गाना भी बंद कर दिया, पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक है उसको बलूचिस्तान में पढ़ाना भी बंद कर दिया। तो इसी के ऊपर एक बलूची भाई ने और एक पाकिस्तानी भाई ने अपना रिएक्शन दिया है, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान।
बलूचिस्तान में आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों, इसके पीछे बहुत सी रीजन है। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग है जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये है कि जहाँ से वो जो मादनियात करते हैं सबसे पहले उस पर किसका हक होगा, जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं लोरलाई से हूँ वहाँ पर कोई गैस नहीं, मैं बलूचिस्तान लोरलाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10-12 घंटे है, लेकिन लोड शेडिंग क्या 15 घंटे पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है, तो ये वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे लेकिन यहाँ पर आ रही है। यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है किधर। हाँ तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है वहाँ से, सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है, तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो यही मसला है, जब से पाकिस्तान बना हुआ है। अभी देखो कल जो अख्तर मंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था, इसी वजह से दिया था कि मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है। कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है, जब हम बैठा हुआ है वो सीएम थे ना बलोचिस्तान के, सीएम का सीएम तो रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। ठीक हो गया। अब बलोचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलोचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया, अपने बच्चों को पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलोचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो उसे, लेकिन सबसे पहले आप बता दो मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है, लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो सीएम का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर का क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ही होना चाहिए कि फंड्स को, अभी देखो हम सीएम आ जाते हैं हम लोग कहते हैं रोड बना दो। बलोचिस्तान वालों को मुतालिया पाकिस्तान पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? मुतालिया पाकिस्तान पसंद है लेकिन सही वाला पसंद है। अभी देखो 8th तक मुतालिया पाकिस्तान किसी और तरह की, 1st तक किसी और तरह की, अभी जब हम लोग आई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो मुतालिया पाकिस्तान बड़ी हो रही है ना? बिल्कुल वो जो भी पढ़ा होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का मुतालबा ये है, मुतालिया पाकिस्तान क्या है, मुतालिया पाकिस्तान के बारे में स्टडी है लेकिन वो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या फायदा? उसके अंदर सारा इंडिया लिखा हुआ है, मुतालिया इंडिया होना चाहिए था। हाँ तो यही हम लोगों। अच्छा, हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? आप तो बलोच है, मुझे बलोचिस्तान का रिएक्शन जानना है। बलोच नहीं, मैं पठान हूँ। अच्छा, पठान है लेकिन बलोचिस्तान वाली साइड से। बलोच और पठान बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा है। हाँ, सब एक जैसे है, जुबान भी एक जैसा बोलते हैं, कल्चर एक जैसा है। अच्छा बताए कि इंडिया के बारे में मुतालिया में क्या लिखा होता है? तो ये सबसे पहले लड़ाई के बारे में लिखा, वो लड़ाई बहुत हुई है, पता नहीं किसने जीती है, हम लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि लड़ाई किसने जीती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों का ही सवाल है अभी, ये लड़ाई बताओ किसने जीती है, तो हम लोगों ये भी पता नहीं है। अच्छा, और मुतालिया पाकिस्तान में क्या लिखा है? एक कुछ आप भी बता दें, कोई चीज मुतालिया पाकिस्तान में पाकिस्तान में मादनियात बहुत है लेकिन निकलती है कुछ नहीं है। अभी बलूचिस्तान देखो, अभी कल जो हुकूमत ने ये जो तराना बैन हुआ है। अच्छा, इंडिया के अभी बड़ा नाम आता है जब जब बलूचिस्तान का आता है, कहते हैं इंडिया फंडिंग करा रहा है बलूचिस्तान की, इंडिया कश्मीर का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से। नहीं, अभी देखो आप बड़ा हंसे इस बात पे। नहीं, इंडिया को कोई और नहीं मिला अभी, वो उसको फंड कर रहे हैं। नहीं, अभी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इतने कमजोर हो गए कि वो उन लोगों को नहीं निकाल सकते है कि कौन फंडिंग कर रहा है। तो ये इतने कमजोर भी नहीं है पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो ISI है ये मालूम मतलब नहीं इंडिया कर सकते? कोई नहीं, अब मतलब वाकई ये बात, अगर इंडिया फंडिंग कर रहा है तो फिर पकड़े जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अभी देखो कई बार धमाका हो जाता है, उसी वक्त मालूम हो जाता है कि कितने इसमें कितने किलो वजन है, कहाँ से आया था, किसने किया था, लेकिन ये पता नहीं लगा सकता कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तो भी इसको पता नहीं। अब अगर फंडिंग हो रहा है तो आप निकालो मीडिया में, ये बहुत तो इंडिया कहता है अगर हम फंडिंग करा रहे हैं तो साबित करो, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाओ।
हाँ तो यही मसला है, जब तक खान नहीं छोड़ा हुआ है अभी तक आराम से ही नहीं हुएगा। लेकिन चले वो तो एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, हम इंडिया और बलोचिस्तान की बात करें और यहाँ ये कहा जाता है कि महरंग बलोच को भी इंडिया फंडिंग दे रहे हैं। नहीं, गलत है। इंडिया को कोई और नहीं मिला महरंग बलोच को फंड करने के लिए, बलूचिस्तान में तो बहुत से बड़े बड़े लोग हैं तो उसको फंड करते यार, मतलब इंडिया किसी और को भी फंड कर सकता था। हाँ नहीं, अच्छा बलूचिस्तान के लोग वाकई मानते हैं कि इंडिया करवा रहा है ये सब? कौन बलूचिस्तान के लोग? हाँ, नहीं नहीं वो कुछ नहीं, वहाँ पर अभी इतना शऊर फैल गया अभी सबको पता है कौन करवा रहा है, सबको अभी पता है। वो पहले हम लोगों को पता नहीं, वही मुताले पाकिस्तान पढ़ रहे थे इसलिए पता नहीं थी, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ और से पढ़ना शुरू कर लिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा बलूचिस्तान में नहीं बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं, ठीक है। हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया और ये सारा वजह क्या है जी, हमारे करप्ट हुक्मरान हैं, ठीक है, उनको वो पैसे ले रही हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है, ठीक है। हाँ। वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती, क्या वजह है? हाँ। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। हाँ। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है, वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है, आपको पता है कि बलोचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। अब वो कह रहे जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात है आज़ाद होगी तो मेरे भाई बलोचिस्तान तो आज़ाद होएगा ही होएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, उसके साथ में गिलगित बाल्टिस्तान भी आज़ाद होएगा, सुनते जाइए, सिंध भी आज़ाद होगा, सुनते जाइए, और उधर से केपीके भी होगा, सुनते जाइए। जो जुल्म तुमने उधर ढा रखा है पश्तूनों पे पठानों पे, वो तो भाई मेरा तो दिल दहल गया देख के। अगर आप उस जगह को देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे खून की नदियाँ बहा रखी है, सियाओं का कत्लेआम मचा रखा है। कैलाश कम्युनिटी जहाँ की लड़कियाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ होती है, खूबसूरत मर्द होते हैं वहाँ के, वहाँ पर जाकर इन्होंने मारकाट मचाई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ की जो कल्चर था उसको तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानियों इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी इन पाकिस्तानियों को नसीहत देके जा सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।